हेलो गाइस, मैं गुफरान सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एमजी एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करते हैं। गाइस आज आपके लिए लेकर आए हैं कि कैसे गोल लकड़ी का सीएफटी निकालते हैं। सीएफटी का मतलब होता है घन फीट, यानी कि किसी भी लकड़ी का आयतन कैसे निकालते हैं। सीएफटी को हिंदी में कहते हैं घन फीट। तो हम किसी भी गोल लकड़ी का या घनाभ के आकार में जो लकड़ी होती है, डिफरेंट डिफरेंट आकार की होती है, उनका हम आयतन कैसे निकालेंगे, उनकी हम सीएफटी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गोल लकड़ी का सीएफटी हम कैसे निकालते हैं। तो जो हमारी घनाभ के आकार में लकड़ी होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसमें क्या करते हैं कि हम तीनों को गुणा करके, अगर वो इंच में है तो उसको 17 से 28 से डिवाइड करके हम निकाल लेते हैं। हमेशा लकड़ी को हम सीएफटी में ही निकालते हैं, मतलब कि घन फुट में ही निकालते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो लकड़ी की बिक्री होती है मार्केट में वो घन फीट में होती है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा कि हमेशा इसको हम घन फीट में निकालते हैं, वो चाहे जिस यूनिट में हो लेकिन उसको कन्वर्ट करके घन फीट में निकालते हैं। तो गाइस आइए हम बात करते हैं कि कैसे गोल लकड़ी का सीएफटी निकालेंगे। तो मान लिया दोस्तों हमने एक लकड़ी ली है, लकड़ी यानी कि लकड़ी का ब्लॉक लिया है, इसकी जो लंबाई है 5 फीट है। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है लकड़ी के आयतन का, वो है गोलाई गुड़े ऊंचाई या लंबाई अपान 2304, यानी कि 2304 से भाग करना है। याद इसमें ये चीज़ रखना है दोस्तों हमेशा कि जो आपकी गोलाई होगी उसको हम इंच में रखेंगे हमेशा, और जो आपकी लंबाई या ऊंचाई होगी इसको फीट में रखेंगे। दोस्तों इसको ऊंचाई बोलो या लंबाई, जैसे ये मान लो गुटका है, अगर इस रूप में है तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसकी हाइट है, और वही इसको हम ऐसे कर दिया तो इसको लंबाई कह देंगे। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद ये रखना है कि इस फार्मूले में गोलाई को हमेशा किस में रखना है, इंच में रखना है, और ऊंचाई या लंबाई को हमेशा फिट में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसकी ऊंचाई कितनी है, 5 फीट है, और इसकी जो परिधि है यानी कि गोलाई है ये 4 फीट 2 इंच है। तो हम पहले चेंज करेंगे, जैसा कि हमने बताया गोलाई इंच में होनी चाहिए, तो 4 फीट 2 इंच में कितने आपके बनेंगे इंच, 1 फीट में 12 इंच, तो 4 फीट में कितना, 12 चौ 48, और 2 आपके 50 इंच हो जाएंगे। अब देखिएगा 5 फीट है क्योंकि ऊंचाई फिट में ही रखनी है, इसलिए हमने गोलाई गुड़े गोलाई 2 बार है, तो 50 गुड़े 50 गुड़े 5 अपान 2304। जब हम 2304 से इसको भाग करेंगे, गुणा करके जो 12500 आया इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 5.426। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या होगा कि ये आपकी आ गई सीएफटी, यानी कि इसको हम घन फीट कहेंगे हिंदी में। तो दोस्तों आपकी जो सीएफटी निकालने का मेथड बिल्कुल आसान तरीका ये है, एक बार फिर आप रिकॉल कर लीजिए कि इसका फार्मूला गोलाई गुड़े ऊंचाई या लंबाई अपॉन 2304। यहाँ पर गोलाई को हमेशा इंच में और ऊंचाई को फिट में रखना है। अब हमने इसको जब हल किया तो आ गया आपका कितना, 5.425, मतलब घन फीट। अब देखिएगा दोस्तों जो आपकी लकड़ी होती है वो हमेशा हमेशा हर साइज में जो होगी गोल लकड़ी होगी, हर जगह पर वो सेम उसकी गोलाई नहीं होगी। अगर यहाँ पर मान लीजिए 18 इंच है, और यहाँ आपकी आ गई 16 इंच, और यहाँ आपकी आ गई 20 इंच, तो क्या करेंगे कि जब गोल लकड़ी हो और कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा उसकी गोलाई हो, तो हम उसको जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कम यहाँ पर ज़्यादा है, उस सब स्थानों का हम क्या कर लेंगे, उसकी गोलाई माप लेंगे। गोलाई मापने के बाद में हम उन सब को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद में जितनी बार आपने मापा 1 2 3 उसको उतने बार से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगर मान लीजिए जो भी आता है, जो आ जाएगा आपका, यही आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल गोलाई हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप काफ़ी लंबी लकड़ी है उसको माप लेते हैं 10 जगह या 5 जगह, तो अगर 5 जगह मापते हैं तो उसको 5 से डिवाइड करके जो आपका आएगा उसको हम क्या कहेंगे, उसकी गोलाई निकल आएगी। इसी फार्मूले को प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है कि गोलाई को इंच में मापना है, ऊंचाई या लंबाई को फीट में मापना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हमारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, कोई कोई
जो व्यूवर्स होंगे ये सोच रहे होंगे कि इसका जो गोलाई है इसको इंच में या ऊंचाई फीट में या 2304 से भाग क्यों करते हैं। इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में समझाने वाले हैं। उस वीडियो का टाइटल होगा कि 2304 से भाग करने का रीजन क्या है, रहस्य क्या है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।